बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक लेके आया हूं। आज की वीडियो देख लेने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी स्ट्रॉबेरी को लेकर और आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप एक दफ़ा सोच में पड़ जाएंगे कि आपको ये सब पहले क्यों नहीं पता था। साथ ही साथ मिल्कशेक को बेहतर किस तरह से किया जाता है, ज़्यादा मज़ेदार कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रॉबेरी, सीजनल है, इस टाइम आपने इसको जरूर लेना है। इसके अंदर है बहुत सारा विटामिन सी। विटामिन सी का मतलब है वाइट और खूबसूरत दागों से, दानों से पाक स्किन, रोशन आंखें, खूबसूरत चमकदार बाल और शानदार नेल्स। ये सभी बातें सच्ची हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, पल्ले से नहीं बता रहा, ये सारी मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्चेस हैं। तो यहाँ पे अहम बात ये कि अच्छे से धो लेने के बाद ग्रीन पार्ट आपने इसका सेपरेट कर देना है और फिर आपने इसका मिल्क शेक नहीं बनाना डायरेक्ट। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक वाहद ऐसा है कि इसको आपने अच्छी तरह से काट लेने के बाद फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद इसका सही मिल्क शेक बनता है। अगर आप किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके विजिट करें तो वहां पे भी स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक ऐसे ही बनाया जाता है। चलें जी, यहां पे कटिंग कर लेने के बाद इसको आपने फ्रीज कर लेना है और इसको इस वक्त आप फ्रीजर में 2 से 3 माह तक रख सकते हैं फ्रीज करके। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहां पे इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा फ्रीजर में रखा है और ये अच्छे से हार्ड हो चुकी है, काफी मतलब के जम चुकी है। ये देखें काफी टाइट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक खूबसूरत सा जग लेना है और इसको उसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे इसको क्रीमी बनाने के लिए इसमें मैं क्रीम ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इसमें कंडेंस मिल्क भी जा सकता है, दूध इसमें आपने गाढ़ा और अच्छे वाला ऐड करना है। तो ये आपकी प्रायोरिटी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, बर्फ ऐड कर देते हैं, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से 2 टेबलस्पून ऐड कर देते हैं। तकरीबन 1 पाव मैंने स्ट्रॉबेरी ली है और तकरीबन 1.5 लीटर मैंने दूध का लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें चीनी के गए हैं। और अब मैं आपको बता दूं, ये सोडियम फ्री होता है, मतलब आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो ये आपके लिए अच्छा है। डिप्रेशन को दूर करता है और साथ ही साथ स्टमक फंक्शंस को बेहतर करता है। ब्लड की जो एलर्जी होती है, जैसे सुइयां वगैरह चुभती हैं कुछ लोगों को, उससे निजात मिलती है डिप्रेशन। और हाँ, बहुत अहम बात, ये आपके कलर को साफ करता है, कलर को वाइट करता है और छाइयों से भी निजात देता है। तो चलिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इजाज़त अंसारी की इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।